हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन समझने से पहले बेटा हम क्या समझेंगे, फैक्टर होते क्या हैं। ठीक है, लेट हम करते हैं नेचुरल नंबर के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कोई नेचुरल नंबर है, फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लेट हम कोई नंबर ले लेते हैं बेटा, 12 ले लेते हैं। अब 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, किसी कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, नेचुरल नंबर लेट 12 हमने लिया है, तो इसके फैक्टर हमेशा क्या होंगे, 1 एंड वो नंबर सेल्फ से। ठीक है ना, एक तो क्या हो गया 1 हो गया एंड सेल्फ से वो नंबर क्या हो गया, खुद से हो गया। ये फैक्टर तो इसके होंगे ही, ठीक है, 1 एंड 12। बट इसके अलावा इसके कौन से फैक्टर होंगे वो हमें चेक करें। तो फैक्टर क्या होंगे, जिस भी नंबर से क्या है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, 2 से हो सकता है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, 2 6 12, ठीक है, 3 से हो सकता है, 3 4 12। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए इसके, 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 12 हो गया। तो ये तो बात होगी नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड वो नंबर सेल्फ से होगा, साथ में बाकी जो जितने भी अदर नंबर है जिनसे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा 12, 2 6 12, 3 से हो रहा 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12। तो ये हमारे फैक्टर क्या क्या हो गए इसके, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर की। बट क्या है, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर गिवन ना हो और क्या हो, जो हमारा क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें क्या हो गिवन हो, टर्म्स किस में गिवन हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन हो, तो फिर उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। लेट हमारे पास कोई क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, लेट हमारे पास क्या है, 5xy। तो बेटा अगर मैं बोलता हूं 5xy के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, तो देखो फैक्टर में क्या है, एक नंबर है 5 × x × y। तो फैक्टर क्या क्या हो गया बेटा इसका, 5 हो गया, x हो गया एंड y हो गया, ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, और 5 के भी फैक्टर करेंगे तो 5 को हम ज्यादा से ज्यादा क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 1 × 5 लिख सकते हैं। तो टोटल फैक्टर अगर बोलेंगे 1 5 × x × y मींस क्या हो गया, 1, 5, x, y। तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, ये तो क्या है मोनोमियल्स के फॉर्म में था। अगर क्या है टर्म्स हमारा मोनोमियल्स की जगह क्या है, कुछ और टर्म्स है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, तो कैसे फाइंड करेंगे। लेट एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एक मोनोमियल्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15xy। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 15 के क्या क्या होंगे, देखो 1 हो गया, 3 3 5 15, 5 3 15 एंड 15 सेल्फ से। ठीक है, ये तो हो गए इसके फैक्टर एंड एक्स एंड वाई। टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 15 के ये नंबर के फैक्टर भी निकालने हैं, साथ में क्या होगा वेरिएबल के फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल को आपको ऐसे लिखना है x एंड y। ठीक है, तो ये हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर। लेट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है 3x × x + 2। अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, देखो 3 हो गया, ठीक है, 1 तो सबका ही होगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर खुद से और क्या है 1 उसके फैक्टर हमेशा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया बेटा x, तीसरा फैक्टर इसका क्या हो गया x + 2, इसको सेपरेटली ही लेना है। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, x हो गया एंड x + 2 हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन होगी, ठीक है, फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन होगी, ठीक है, व्हेन वी एक्सप्रेस, व्हेन वी एक्सप्रेस अ नंबर और
नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, इट्स फैक्टर. ठीक है, जब भी हम किसी नंबर्स को, नंबर को एंड और क्या बोल सकते, नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जब उसके फैक्टर के फॉर्म में, उसके प्रोडक्ट क्या क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या 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 कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया, जब भी हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के या नंबर के, ठीक है, फैक्टर्स को क्या है, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन कहेंगे हम उसे. ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 14.1 पे. ये तो हमारा हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट इसमें कुछ खास है नहीं. ठीक है, फैक्टर जैसे आपने प्रीवियस छोटी क्लासों में पढ़ा हो, फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे हमने नंबर का फैक्टर फाइंड करते थे, यहाँ पे हमारे किस फॉर्म में होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा. ठीक है, करना आपको वही नंबर का, जैसे नंबर का फैक्टर करते हैं एल्जेब्रा में, यहाँ डिफरेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर फाइंड करना है. ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं. किसके आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे, 14.1 क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन रीड करते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स. ठीक है, आपको क्या करना है बेटा इसमें, देखो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स. टर्म्स गिवन है देखो 12 लैक्स एंड 36, आपको क्या करना है इनमें से कॉमन फैक्टर इनके फाइंड करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 12x को ब्रेक डाउन करूंगा मैं, तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, 12x को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3. अब देखो 2 × 2 = 4, 3 = 12, साथ में क्या था बेटा x था, 12 को ब्रेक डाउन कर लिया. ऐसे हम 36 को क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36. अब बेटा इसको हमने तो ब्रेक डाउन कर लिया फैक्टर के फॉर्म में, तो हमने इसे लिख दिया. ठीक है, अब आपको बताना कि कॉमन फैक्टर क्या है. ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर. अब देखो बेटा कॉमन क्या होगा, जो भी नंबर या वेरिएबल दोनों जगह होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर. बेटा देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दूसरा 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मीन्स 2 क्या है, 2 टाइम्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स है. 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 3 कितना, 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 1 टाइम्स है. और x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो आपको वो चीज़ें लेनी है, वो नंबर लेने जो दोनों में होंगे, वो वेरिएबल लेना जो दोनों में होगा. तो क्या देखो, यहाँ से 2 आ गया फर्स्ट, तो यहाँ से भी 2 आ गया. ठीक है, सेकंड 2 आ गया. ठीक है, थर्ड हमारा क्या आ गया, 3 आ गया. तो 2 ऊपर है, 2 × 2 = 3, देखो 2 × 2 = 3 and 2 × 2 = 3, दोनों जगह कॉमन है, बट यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, और जो ये नेक्स्ट वाला 3 यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर ओनली क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. कॉमन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 12 आ गया. तो क्वेश्चन नंबर वन का हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया. ठीक है, ऐसे इसका सेकंड वाला करेंगे. ठीक है, 2y को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × y. ऐसे 22xy को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 2 × 11 × x × y. अब देखो कॉमन फैक्टर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ CF. ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 2 आ गया. ठीक है, यहाँ पे हमारा y है, अब यहाँ चेक करेंगे इस वाले 22xy वाले को, 22xy वाले का यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो 22xy वाले में देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा, y हो रहा, तो यहाँ से y भी हमारा कॉमन आ गया. बाकी हमारा यहाँ 11 था बट यहाँ वाले में 11 नहीं है, यहाँ x था फर्स्ट वाले में x नहीं है, तो ओनली कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया बेटा, 2 × y means 2y. तो क्वेश्चन नंबर वन का हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गया है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन के आप होमवर्क में खुद से करोगे. ठीक है बेटा, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा. क्वेश्चन नंबर 2 बोला, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 7x − 42. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 7x − 42. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, 7x. ठीक है, तो 7x को तो ऐसे रखा बेटा, माइनस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 लिख सकते हैं, तो 7 × 6 लिख दिया मैंने इसे.
अब देखो कॉमन आपको देखना है, देखो सेवन यहां पे भी फर्स्ट वाले टर्म में सेवन है, सेकंड वाला जो 42 वाला हमारा टर्म था उसमें भी सेवन है, तो यहां से मैं दोनों जगह से क्या कर सकता हूँ, सेवन को कॉमन ले ली, यहां से इसका कोफिशियंट क्या बचा बेटा ओनली एक्स, और यहां से क्या बचा माइनस साइन आ गया बीच में, सेवन वाला तो कॉमन आ गया बाहर, यहां से क्या बचा ओनली सिक्स, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया सेवन, सेवन कॉमन ले लिया एक्स माइनस सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ऐसे हम सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे 6p, तो 6p को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × p, 2 × 3 = 6 × p, ये लिख सकता हूँ, माइनस 12 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4 × 3, 12 × q, ओपन कर दिया हमने इसे पूरा। अब देखो कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी एक 2 तो ये आ गया कॉमन, 3 यहाँ पे भी एक 3 ये आ गया कॉमन, p यहाँ पे है बट वहां पे नहीं है, ठीक है, q यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, तो ओनली कॉमन क्या आ रहा हमारा यहाँ से 2 × 3, यहाँ से 2 × 3, तो यहाँ से क्या बच रहा ओनली p, और यहाँ से क्या बच रहा 2 × q विद माइनस साइन 2q, तो क्या आ गया बेटा हमारा आंसर 2 × 3 = 6 p − 2q। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या हो गया सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो फर्स्ट वाला हमने क्या किया था 7x − 42, तो यहां से हमारा 7 कॉमन आ गया था बेटा, x − 6 आ गया। सेकंड हमारा क्या था 6 कॉमन लिया, इसमें से भी हमने इसको पहले ओपन किया 2 × 3 × p, इसको किया 2 × 2 × 3 × q, तो यहां से 2 × 3 कॉमन आ गया, p − 2q बचा अंदर, तो 6 − 2 × 3 हो गया 6, p − 2q कितना हो गया बेटा p − 2q, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा p − 2q, ठीक है। अब आता है ये तो हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ठीक है, फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज करना आपको, ठीक है, किसको करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे हमारा, ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फैक्टराइज करना आपको x² + xy + 8x + 8y, ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, ठीक है, तो बेटा एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ x × x+, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड x² × y, ठीक है, +8 × x + 8 × y, हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां से देखो एक्स एक्स लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर के लिए x × x, एक्स वाई को लिख दिया x × y, 8 × x 8 × y। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहां पे x है, यहां पे भी x है, तो यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, इसका कोफिशियंट क्या बचा बेटा ओनली x, इसका कोफिशियंट क्या बचा +y, ऐसे यहां से 8 यहां पे भी, 8 यहां पे भी, तो 8 कॉमन ले लिया x + y, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो यहां पे भी क्या है एक्स वाई है, यहां पे भी एक्स वाई, तो दोनों जगह से एक्स वाई कॉमन ले लूं, तो x + y कॉमन ले लिया बेटा मैंने यहां से, इसका कोफिशियंट क्या बचा यहां से x, तो यहां से क्या बचा x, और इसका कोफिशियंट क्या बचा यहां से 8, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, तो हमारा फाइनल आंसर क्या गया, जो फैक्टर हमारे आगे x + y and x + 8, ऐसे ही करते हैं, नेक्स्ट करते हैं 15xy को क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 × x × y, फर्स्ट वाले टर्म को हमने ये लिख दिया, सेकंड वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं −6x 2 × 3 × x, ये लिख सकता हूँ 2 × 3 × x + 5 × y − 2, ये कर सकते हैं। अब देखो यहां पे हमारा देखो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में 3 यहां पे भी है एंड 3 यहां पे भी है, x यहां पे भी है एंड x यहां पे भी, तो दोनों जगह से 3 एंड x कॉमन ले लिया, 3x ले लिया बेटा कॉमन, क्या बचा यहां से, अब देखो यहां से बचा 5y, यहां से क्या बचा बेटा 3x कॉमन आ गया, -2 बचा ओनली, ये हो गया फर्स्ट वाला, प्लस दूसरा हमारे साइड क्या है यहां पे 5y − 2, ये तो हमारा पहले से क्वेश्चन था। अब देखो 5y − 2 यहां पे भी है, 5y − 2 यहां पे भी, तो आप क्या करोगे
5y माइनस टू को कॉमन ले लोगे फिर से, 5y माइनस टू, यहां से क्या बचा हमारा 3x, और यहां से क्या बचा बेटा कोफिशियंट 1। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 5y माइनस टू 3x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया 14.1 का। इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, रिमेनिंग जो इसके पार्ट हैं आपको होमवर्क में खुद से करना है, ठीक है बेटा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 पे, ठीक है 14.2 पे आते हैं। का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए स्क्वेयर प्लस 8 ए प्लस 16, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे बेटा ए स्क्वेयर, ठीक है तो 8 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 ए प्लस 4 ए, ये लिख सकता हूँ। 4a प्लस 4a प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ए स्क्वेयर प्लस 4a को, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर दी, और दूसरे को मैंने क्या लिखा प्लस 4a प्लस 4 इंटू 4, इसको रख दिया दूसरे ब्रैकेट में। तो बेटा यहाँ से देखो a यहाँ पे भी यहाँ पे, तो a कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली a, क्योंकि ए स्क्वेयर है, एक a मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा a, यहाँ से क्या बचा बेटा a कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 4 प्लस, यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से क्या बचेगा बेटा a प्लस 4, ठीक है। ये पेन खत्म हो गया है, इसी पेन को यूज किया जाए, ठीक है बेटा ये हो गया यहां से। अब देखो a प्लस 4 यहां पे भी, a प्लस 4 यहां पे फिर से, तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया a प्लस 4। अब यहां से इसका कोफिशियंट क्या बचा बेटा a प्लस, इसका कोफिशियंट क्या बचा प्लस 4, a प्लस 4 a प्लस 4, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं a प्लस 4 रेज टू द पावर 2। तो ये हमारे फैक्टर क्या आ गए, a प्लस 4 की पावर 2, ठीक है a प्लस 4 की पावर 2। तो यहां से हमने फर्स्ट क्या किया, इसको ब्रेक, जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक डाउन किस में किया, 4a प्लस 4a, फिर यहां से हमने इसको ग्रुपिंग करके फाइनल आंसर हमारा आ गया a प्लस 4। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका, पी स्क्वेयर माइनस, अब देखो जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था इसमें भी ग्रुपिंग करेंगे, माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 5, तो फिर से हो गया पी स्क्वेयर माइनस 5p, ठीक है और यहां से क्या बचा प्लस साइन माइनस 5p प्लस 5 इंटू 5। अब देखो यहां से हो गया p कॉमन ले लूंगा तो यहां से क्या बचेगा बेटा p माइनस 5, और यहां से भी अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा माइनस पी प्लस 5। बट अभी हमारे क्या, अगर ये p माइनस 5 यहाँ पे भी p माइनस 5 होता तो कॉमन ले लेते, बट यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसमें, p माइनस 5 को तो ऐसे रखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा p माइनस 5। तो फिर से आप क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो रहा, सेम हो रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे p माइनस 5 को बेटा कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ भी वही था, यहाँ पे भी सेम टर्म था तो कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा इसका कोफिशियंट p, साथ में क्या बचा माइनस 5, तो इसको भी शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ p माइनस 5 रेज टू द पावर 2। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा 14.1 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 14.2 का, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 14.2 का क्या है, फैक्टराइज करना आपको 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3q का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाता है उसमें a प्लस b या a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस 3q। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b a प्लस b, तो ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो हमने रीड करी है, ठीक है।
तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर लिखा से, अब देखो 2 का स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 टू 4p का स्क्वायर p स्क्वायर, 3 का 9q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो ये फिर से फॉर्मूला क्वेश्चन वही बन गया। तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला देखते हैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब 63 को बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 9 × 7 63 × a स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट वाले टर्म को। माइनस सेकेंड वाले को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 × 4 × 7 × b स्क्वायर। अब इसको क्यों लिखा मैंने ऐसा, अब देखो 3 × 3 9 9 × 7 63 हो गया, ऐसे इसको क्या लिखा, साथ में ए स्क्वायर था मल्टीप्लाई में लिख दिया। सेकेंड वाले को 4 × 4 16 16 × 7 112, साथ में बी स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों जगह से 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा बेटा 3 × 3 9, साथ में ए स्क्वायर माइनस 4 × 4 16, साथ में बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 7 को ऐसे रखा, 9a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3a का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4b का स्क्वायर। अब 3a का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर, 4b का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 4 का 16b स्क्वायर, फिर से वही आ गया। अब देखो फिर से ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आइडेंटिटी हमने फर्स्ट वाले में यूज की थी वही आइडेंटिटी यहाँ पे फिर से पैटर्न कौन सा बन गया, उसी आइडेंटिटी का टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मीन्स ए की जगह हमारा कितना है 3a माइनस 4b, एंड ए प्लस बी 3a प्लस 4b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4b, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे खोल के, 3a माइनस 4b एंड 3a प्लस 4b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो फैक्टराइज करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट कर लिया। अब आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ए एक्स स्क्वायर देखो बेटा यहाँ पे देगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़्यादा ओपन करना है अगर, तो ए इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस बी इंटू एक्स लिख सकता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन ले लूँ, एक्स कॉमन ले ली, यहाँ से क्या बचा बेटा, ओनली ए इंटू एक्स, यहाँ से क्या बचा बी, तो ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ऐसे आपको क्या करना है, सेकेंड वाला करना है। सेकेंड क्या है, 7p स्क्वायर प्लस 21 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 7 × 3 × q स्क्वायर। तो देखो 7 यहाँ पे भी आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी आ रहा, तो यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लूँ, क्या बच रहा है मेरा यहाँ पे p स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 3q स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बच रहा है बेटा, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गया। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट है बेटा, आप इसमें होमवर्क में घर से करोगे, ठीक है। इसलिए मैं घर होमवर्क में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, सेमी पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। आपको फैक्टर ही फाइंड करने हैं, कुछ अदर ऑप्शन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट है, आप होमवर्क में घर से करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, बोल रहा है कि फैक्टराइज करना आपको, क्वेश्चन गिवन है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। तो फर्स्ट में इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता है, a रेज टू द पावर 2 की होल रेज टू द पावर 2 माइनस b स्क्वायर की पावर 2। तो यहां से देखो a की पावर 2 की होल पावर 2 करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा a की पावर 4, b की पावर 2 की होल पावर 2 करेंगे तो फिर से आएगा b की पावर 4। अब फिर से किसका बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे बेटा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अभी हमारा जो ए वाले टर्म की जगह पूरा ए स्क्वेयर है, बी वाले टर्म की जगह पूरा बी स्क्वेयर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये तो वन टाइम तो यूज कर लिया, अब देखो प्लस वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट देखो इस वाले में फिर से भी वही फॉर्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। अब इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, और साथ में ये वाला टर्म ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट।
देखो वन टाइम हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की, तब हमारा ये बना। अब ये वाला तो प्लस वाला इसमें तो होगी नहीं यूज, बट यहाँ पे ये क्या फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा, फिर से वो वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा, और साथ में ये वाला कॉपी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। पी की पावर फोर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, पी स्क्वायर की पावर टू माइनस नाइन का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला गया तो क्या बना क्या, पी स्क्वायर माइनस नाइन पी स्क्वायर प्लस नाइन, ये हो गया। अब देखो प्लस वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, बट ये क्या बन रहा फिर से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस नाइन को ऐसे कॉपी किया। अब फिर से क्या बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए माइनस बी पी माइनस थ्री पी प्लस थ्री, और साथ में क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस नाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट एंड सेकेंड। जो रिमेनिंग पार्ट है आप फिर से उसके क्या होमवर्क में घर से करोगे आप, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करनी, जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ होमवर्क में करने, तो आपको प्रैक्टिस करनी रफ है, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करनी, गलत हो रहा सही हो रहा वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। पहले तो ट्राई करो कि सही हो, नहीं हो रहा बट आपको प्रैक्टिस करनी उन क्वेश्चनों की, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, 14.2 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस एट। अब इसको बेटा फैक्टराइज करेंगे हम, पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर लिखो, सिक्स पी को मैं क्या लिख सकता हूँ टू पी प्लस फोर पी लिख सकता हूँ, कोई चेंज आ रहा है, इसको ही मैंने ब्रेक डाउन करके टू पी प्लस फोर पी लिखा। प्लस एट को क्या लिख सकता हूँ मैं टू इंटू फोर। बेटा ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा कुछ ना कुछ टर्म हमारा कॉमन आ जाए और हमारा क्या है फैक्टर इजीली फाइंड हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ग्रुपिंग कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं पी स्क्वायर प्लस टू पी की, एक ग्रुप ये बना लेते हैं, दूसरा बनाते हैं बेटा प्लस साइन फोर पी प्लस टू इंटू एट, एक ग्रुप हमने ये बना लिया, ठीक है। तो इन दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या रहा, पी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो पी कॉमन ले लेते, P की पावर 2 था, एक P कॉमन ले ले, क्या बचा बेटा ओनली P, यहाँ से P कॉमन आ गया, क्या बचा प्लस 2 प्लस, यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो 4 यहाँ पे भी यहाँ पे, तो 4 कॉमन ले लिए, इसका कोफिशियंट बचा बेटा P, इसका कोफिशियंट बचा 2, P प्लस 2। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे भी P प्लस 2 है, यहाँ पे भी P प्लस 2 है, तो फिर से P प्लस 2 को कॉमन ले लेता हूँ, P प्लस 2 कॉमन आ गया बेटा, यहाँ से इसका कोफिशियंट क्या बचा ओनली P, और इसका कोफिशियंट क्या बचा 4, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया पी प्लस टू पी प्लस फोर। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो हमारा फैक्टर क्या क्या होंगे, पी प्लस टू एंड पी प्लस फोर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर लिया, रिमेनिंग पार्ट आप इसके होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो 14.1 एंड 14.2 के हमने सारे जो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बाकी जो बचे हुए इसके पार्ट हैं 14.1 एंड 14.2 के आप घर पे होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।